नमस्कार, मैं हूं राखी सिंघल। स्वागत है आप सभी का प्रादेशिक खबरों में। कांधला कस्बे के भारतीय स्टेट बैंक की लाइन में लगे 50 वर्षीय बीमार व्यक्ति की हालत बिगड़ जाने पर मौत हो गई। परिजनों ने गमगीन माहौल में मृतक के शव को दफना दिया है। ग्रामीण की मौत को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि मृतक टीबी की बीमारी से ग्रसित था और इलाज कराने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए बैंकों की लाइन में लगा हुआ था। लेकिन लाइन में लगने के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई और व्यक्ति की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम जी, जो आपके अब्बू की मौत हुई है, क्या कारण था, किस तरीके से हुई? पिछले कुछ दिनों से बीमार थे जी, तो पैसों की थोड़ा था जी घर में, 5,000 रुपये पकड़ के लाए किसी से, सारे 500 के थे, 1,000 के थे। फिर बैग में गए जी, बैग मेरे जाना बदले नहीं जी, रुक के तारते रहे जी कितनी देर तक के, 2-3 दिन तक लाइन में लग रहे। फिर किसी ने कोई नोट नहीं बदला ना चेंज करके दी जी। बस दवाई के लिए थोड़ा चल रहा था, घर में भी ऐसा ही था, 5,000 रुपये रखे थे पुराने नोट, उनको बैंक मैनेजर को कहा भी है लेकिन उन्होंने चेंज नहीं करे नोट, फिर मैं चले नहीं। बस कितने 1-2 दिन खड़े भी हुए लाइन में, कोई नोट नहीं चला। बस फिर अब गिर गई, तबीयत खराब हो गई, ऐसी गिर गई थे बैंक पे ही नहीं। फिर वहाँ से इतने अस्पताल में ले जाते रहे ना, बस मौत हो गई थी।